जैसा कि बारात आ गया थे, टन्नू के सब सोए थे, तो दोपहर हो गया, 2 बज गए हैं, तो सब उठे हैं। तो हम लोग सुबह से ही थोड़े से सुस्त अवस्था में थे, तो चलते हैं। एक दो लोग जिन्होंने नाश्ता नहीं किया, मतलब जितने जिनसे उन लोग के लिए थोड़ा सा नाश्ता तैयार कर देने, उसके बाद से देखेंगे कि आज का क्या होता है ब्लॉग। तो ये महाराज खाला है, जैसा कि आपको पता है होगा कि नहीं पता हो, तो गमछी लपेट लिए हैं गर्दन में और 1 घंटे से नहाना किए हुए नहा भी नहीं रहे। तो यहाँ आने के बाद से सबका नहाना बंद हो जाता है, कोई नहाता वहाता नहीं है, सिर्फ हाँ मेरे पास तो वैसे कंटेंट तो बहुत है, लेकिन इनका कंटेंट एक हमको उठाना था, क्योंकि दोनों भाइयों का है। यहाँ आने के बाद से 2-3 दिन तक नहाना नहीं रहता। गुलिया देख सकते हैं क्या हुआ पड़ा है, जो इंसान धूल गर्द और कुछ उठा रहे हैं ये इंसान मुझे कंटेंट देने की कोशिश में। क्या आपको लग रहा है इससे मेरा वीडियो वायरल हो सकता है? फिर से लहसुन छीलना स्टार्ट आ गया। यहाँ पे मटन और आज है मंगलवार, तो जैसा कि देख सकते हैं इसको खुले खुल नहीं रहा है और मैं खोलने की चेष्टा भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ कि शायद खुल जाइए। और ये चिपक गया है, ईश्वर खुल जाओ। ये तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा झांक रहा है, तो उसको झांक नहीं देते, खुल नहीं रहा वो। और इधर वेदू का दूध गर्म हो रहा है, उधर दीपिका दीदी दरवाजे पर बैठी हुई हैं, उनका फेवरेट पोज है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी शाम का समय है, अब चाय बिस्किट होगा। यहाँ तिरोही कट रहा हम लोग के लिए, हम लोग का सब्जी बनेगा, खुशी है तिरोही मास्टर स्पेशलिस्ट। और यहाँ छिलाई हो रहा है, एक और कटाई हो रहा है, और हम सोच रहे हम भी इसमें कुछ कर ले, हम भी धो दे शायद बीच वाला का एक ये कुछ सब्जी में 3 लोग लग जाए। और एक ये मेरी देवरानी जी का तरीका है, पहली बार इस तरीके का अचार देख रहे हैं, तो देखते काफ़ी टेस्टी है, ये देख सकते हैं आप लोग। हम लोग ऐसे ही इसको रखे हुए चलाने पे मुँह में पानी आ रहा। लहसुन मिर्ची का बना हुआ है, आम को घस के बना हुआ है, तो इसकी रेसिपी मैं अगर आपको चाहिए होगा तो भेजूँगी, नहीं चाहिए होगा तो कोई बात नहीं, इसको अपने तक रखूँगी और ट्राई करूँगी मैं नेक्स्ट ईयर इसको। सारी चॉकलेट लेके आ गए, इनके चाचू ने इनको दे दिया, देख सकते। एक हमको भी दे दो भेदू, थैंक यू बेटा। एक आंटी को दे दो, आंटी आंगन में बैठी है, आंटी दे दो उनको। हा? एक मुझे दे दो, एक आंटी को दे दो, बाकी तुम खा लो। सब तुम्हारा है, क्या करोगे सब? ठीक है। तो आज के कुक है हमारे पतिदेव, जैसा कि देख सकते हैं, और बहुत बारीकी से काम करते हुए मसाला भून रहे हैं तवे पे। और ये मांसो तो आप खाई चुके, तो खाई नहीं मतलब मतलब मेरा भी क्या बोल देते टोन खराबी हो गया, तो और वो भी खासकर मेरे हस्बैंड के साथ रहते रहते हुए, क्योंकि मेरा पापा पहले काफ़ी अच्छा था। अरे बाप रे, हमारे मत ठीक है, रख लीजिए बच गए इंसान। और जैसा कि कुणाल मस्ती कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसे तो इनका आता पता नहीं रहता, पता नहीं कहाँ रहते, नहीं जब से गांव है तब से रोज देखा हो रहा है। और ये काफी मेरी मदद की है, दो बार मेरी हेल्प किए, एक बार मेरा डिवाइस कनेक्ट किए, तो वो सही डाल रहा सेल्फी स्टिक से, एक बार हमको बुनिया खिलाए। और आप कुछ कहना चाहती हैं?
बेलन दे के चुप हो गए। कुछ कहना चाह रही है लेकिन बेलन दे के चुप हो गए। तो देख सकते इतना खाना बन रहा हम लोग क्या कि दो दो चूल्हे लगे हुए, उधर मांसो चावल और इधर कि वेदु को देख सकते हैं रात के 11 बज रहे हैं और इसका ये अवस्था है कि मतलब पूरा धूल से नहा लिया। अब धूल से नहाने के बाद इसको फिर से अच्छे से इस समय नहलाना पड़ेगा, सर से लेके पांव तक धूल से भर गया ये। मम्मी बुलाती है, मम्मी जा नहा जा। चाचू चाचा कहते चाचा नहीं चिल्लाता है, सब पिक्चर वाले नहीं करता। नहा के आ गए, वेदु मालिश हो रहा है इनका, देख सकते हैं। नहाने का वीडियो हम लोग नहीं उठा पाए, तो इनकी नौटंकी चालू है, अभी भी मुंह बना ही रहे हैं। तो देख सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। मलवा हो, भूल से नहाए हो तो नहीं सोचे हो।